न्यूक्लियर अटैक इन माइनक्राफ्ट। अगर माइनक्राफ्ट में न्यूक्लियर अटैक हो जाए या न्यूक्लियर बॉम्ब फट जाए तो माइनक्राफ्ट में कितनी ज्यादा तबाही हो सकती है, कभी आपने सोचा या कभी इमेजिन करा है? आज से पहले मैंने माइनक्राफ्ट में ऐसा स्ट्रक्चर कभी देखा नहीं है। ओ भाई एक सेकंड मुझे इसके अंदर जाके देखना पड़ेगा। मे बी यहाँ पे ये बड़े बड़े बंकर है जिसके अंदर जब न्यूक्लियर अटैक होता है तब हम इसके अंदर जाके रह सकते हैं। ओ भाई देखो भाई बहुत सारी नई नई चीजें ऐड हुई है इस मोड की वजह से, बट पता नहीं ये चीज क्या है। एंड वहाँ पे एक विलेज है तो सबसे पहला जो बॉम्ब होगा वो हम उस विलेज में फोड़ेंगे। एंड उस विलेज के साइड में ही एक और बड़ा बंकर है और ये मे बी न्यूक्लियर पावर प्लांट है जहाँ पर वो जो न्यूक्लियर चीजें होती है वो मे बी यहाँ पे बनती है। और अभी इसके अंदर एक बार जाके ना मैं देख लेता हूँ एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे एक न्यूक्लियर भट्टी है। ओ देखो, ओ माय गॉड, तो यही है बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब। ओके तो ये जो बड़े बड़े चेंबर्स है इसके अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब्स को रखा गया है। एंड देखो यहाँ पे रेडिएशन देखो अभी से ही दिखना शुरू भी हो गया है। और यहाँ पर जो हम बॉम्ब देख रहे हैं ना एटोमिक बॉम्ब, ये में भी फैट बॉय है और यही बॉम्ब अमेरिका ने जापान के ऊपर गिराया था और वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था और बहुत सारे लोग मारे गए थे। लेकिन फैट बॉय को ट्राई करने से पहले अमेरिका ने जापान के ऊपर लिटिल बॉय गिराया था, वो भी एक एटॉमिक बॉम्ब ही है अगर आपको पता नहीं तो मैं बता दूँ। तो सबसे पहले हम वो ट्राई करेंगे और ये है वो लिटिल बॉय एटॉमिक बॉम्ब। तो इसको हम इस विलेज के अंदर फोड़ेंगे और देखते हैं कितनी सारी तबाही मचती है। तो एक काम करता हूँ इसको ना मैं यहाँ पे रखवा देता हूँ या इस विलेजर के घर के पीछे की तरफ, बट इस विलेज में अभी तो कोई नहीं है एनीवेज, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। ये मैंने बॉम्ब यहाँ पे रखवा दिया, देखो भी कितना ज़्यादा बड़ा बॉम्ब है। अभी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमको लगानी होती है तो इसके अंदर एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे लिटिल बॉय सर्च कर लेता हूँ मैं ताकि मुझे सारी की सारी चीज़ें मिल जाए। तो ये आ गई सारी की सारी लिटिल बॉय की चीज़ें और इन्हीं सारी चीज़ों को हमको इस एटॉमिक बॉम्ब के अंदर फिट करवाना है एंड देन वो ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लगवा देता हूँ। प्रोपेलेंट, एक सेकेंड, प्रोपेलेंट को पीछे ये यहाँ पे एंड लास्ट में बॉम्ब इग्नाइटर, तो इससे में भी बॉम्ब इग्नाइट हो जाएगा। और देखो गाइज बॉम्ब अभी एक्टिवेट हो चुका है, जैसे मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ ये पूरा बॉम्ब कंप्लीट हो जाता है और ये यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। और अभी इसके लिए मुझे एक डेटोनेटर भी चाहिए होगा इसको डेटोनेट करवाने के लिए, तो मैंने यहाँ से डेटोनेट ले लिया और अभी मुझे बस इसके कोऑर्डिनेट्स लेने हैं। ये आगे इसके कोऑर्डिनेट्स पोजिशन सेट एंड अभी बारी है बस इसको डेटोनेट करने की एंड आई एम रियली एक्साइटेड। अभी ये डेटोनेट होगा। ओ हो गया, ओएमजी भाई मुझे दूर से देखना था। What happening? What is happening? Oh my God! Just look at this thing. कितना बड़ा आग का गुब्बारा ऊपर जा रहा है, but कुछ हो नहीं रहा है। नहीं हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। धीरे धीरे। Oh my God! मेरा game lag हो जाएगा। Okay, धीरे धीरे सारी चीजें तबाह हो रही है। But look at this आग का गुब्बारा। I mean आग का बहुत बड़ा बादल ऊपर जा रहा है। And देखो radiation चारों तरफ फैल गया और वो village भी गायब हो जाएगा अभी। I mean this is scary और ये tower भी टूट जाएगा। तो फाइनली पूरा का पूरा जो बॉम्ब है वो फट चुका है एंड अभी भी एक्सप्लोजन हो रहा है क्योंकि मेरा पीसी इसको लोड नहीं कर पा रहा। और ये क्या हो रहा है, मे बी राख गिर रही है ऊपर से। ओ भाई कितना सारा रेडिएशन फैल गया देखो। एंड अगर इस रेडिएशन में अगर मैंने किसी मॉब को वगैरह स्पॉन करा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे काव को स्पॉन करवा के देखता हूँ। वेट कौन है भाई, व्हाट द हेक, ये एक सेकेंड, ये चिकन कैसे आ गई यहाँ पे, व्हाट द हेक। मे बी इस चिकन के ऊपर उल्टा असर पड़ गया इस बॉम्ब का या रेडिएशन का, दैट्स वाई ये बहुत बड़ी चिकन यहाँ पे स्पॉन होगी। तो मैं इस रेडिएशन के अंदर एक काउ को स्पॉन करवाना चाहता था, ये मर जाएगी। ओ वेट, ये मशरूम काउ में कन्वर्ट हो गई सीधा क्योंकि यहाँ पे रेडिएशन है, दैट्स वाई मतलब नॉर्मल काउ को स्पॉन करते ही वो मशरूम काउ में कन्वर्ट हो जा रही है। और भाई ये बहुत डेंजरस होता है रेडिएशन। मैं ना एक विलेजर को स्पॉन करवा के देखता हूँ, विलेजर को अगर स्पॉन कराया तो वो भी मर जाएगा। हेलो विलेजर, मर जा भाई क्योंकि रेडिएशन। ओ वो एक सेकेंड, वो जॉम्बी बन गया। ओके तो विलेजर जॉम्बी बन जाता है रेडिएशन की वजह से। ओ भाई ये बहुत स्केरी है। एंड जहाँ पर बॉम्ब फूटा है वहाँ पे ना एग्जैक्टली नीचे जाकर देखते हैं क्या हुआ है। नीचे और भी ज़्यादा फैला हुआ है। ओ माय गॉड, जस्ट लुक एट दिस थिंग। ओ माय गॉड, आई मीन सब कुछ हरा हरा हो चुका है यहाँ पे, मतलब जिस जगह पर मैंने बॉम्ब ब्लास्ट करा था वो ये जगह है। इमेजिन करो अगर गेम में इतना ज़्यादा ब्लास्ट हो सकता है या इतनी ज़्यादा तबाही हो सकती है तो रियल लाइफ में जो एटॉमिक बॉम्ब फूटता होगा उससे तो भी कितनी ज़्यादा तबाही मचती होगी। आई मीन वी कांट इवन इमेजिन। और ये जो बंकर था एटॉमिक बंकर, इसको कुछ भी नहीं हुआ है देखो, ये एकदम फुल्ली, इसको लिटरली कुछ भी नहीं हुआ है। आई मीन इसको ना मे बी एटॉमिक बॉम्ब प्रूफ बनाया गया है और वहाँ पर डायमंड्स भी है थोड़े से। वेट, ओ एक सेकेंड, अभी इस बैट ने खून की उल्टी करी यहाँ पे। ओ व्हाट, एकदम रियलिस्टिक इस मोड को बनाया गया है, मतलब उल्टी वगैरह भी होती है रेडिएशन की वजह से लोगों को। बट इस चिकन का मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये चिकन इतनी बड़ी कैसे हो गई।
मे बी रेडिएशन का इसके ऊपर उल्टा इफेक्ट पड़ गया, वो अभी अभी एक तारा टूट के नीचे गिरा, वो क्या हो रहा है माइनक्राफ्ट में, हेलो, एंड वहाँ पे भी एक स्टार है भाई, अभी अभी मैंने देखा एक टूटता हुआ तारा नीचे गिरा है, एंड वो वहाँ पे गिरा है, देखो यहाँ पे, यानी वहाँ पे एक लावा का पूल बन गया। ओके, अभी ये जो दूसरा वाला बॉम्ब है ना, वो मिस रेवन के अंदर फोड़ेंगे, आई मीन मैं जितना ज़्यादा उसको नीचे फोड़ूंगा ना तबाही उतनी ज़्यादा बड़ी होगी, एंड ये बहुत बड़ी रेवन है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे, या यहाँ पे फोड़ना में भी सही होगा, तो यहाँ पे मैंने ये टेसर बॉम्ब रखवा दिया है, एंड जस्ट लुक एट द साइज ऑफ दिस बॉम्ब, कितना ज़्यादा बड़ा बॉम्ब है ये, तो अभी यहाँ पे मुझे टेसर सर्च करना पड़ेगा। तो ये आ गए टेसर बॉम्ब के पार्ट्स, सबसे पहले इसके अंदर मैं देख लेता हूँ कितनी चीज़ें चाहिए, तो ये वाले चार पार्ट्स चाहिए, देन ये वाले दो, ओके ईजिली मिल जाएंगे, TSAR, ओके सारी की सारी चीज़ें ले ली, और अभी बस हमको इन चीज़ों को इसके अंदर फिट करवाना है, 1, 2, ये बीच में कोर, एंड ये आ जाएगा टेसर, और ये एक्टिवेट H2-1, ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया, एंड जस्ट वी नीड अ डेटोनेटर, तो ये आ गया डेटोनेटर, अभी बस मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स लेने, अरे नो पोजीशन सेट, ये क्यों बोल रहा है इसे, हेलो, अरे मुझे इसकी पोजीशन चाहिए ताकि मैं इसको ब्लास्ट कर सकूँ, ओके होगी पोजीशन सेट होगी, तो अभी थोड़ा सा दूर जाके इसको ब्लास्ट करते हैं, ओह नो, अरे भैया यही पे ब्लास्ट हो गया, ओके ओके ओके, ओह माय गॉड, बहुत बड़ा गुब्बारा हो रहा है, वहाँ पे जितनी भी चिप्स थी वो सारी सारी मर गई, आई मीन जस्ट लुक एट दिस, भाई ये तो उस बॉम्ब से बहुत ज्यादा बड़ा आग का गुब्बारा है, आई मीन यार मुझे इसको दूर से फोड़ना चाहिए था, मुझे इसका पूरा नजारा देखना था, एंड आसमान में भी देखो भाई चारों तरफ एक सर्कल बन गया है बहुत बड़ा, और अभी भी ब्लास्ट हो ही जा रहा है, मेरा गेम में भी लैग हो जाएगा, देखो अभी भी आवाज़ आ रही है ब्लास्ट होने की, अभी थोड़ा सा पास जाके देखते हैं कितनी ज़्यादा तबाही हुई है, ओ एक सेकंड अभी भी और एक धुएं का गुब्बारा आया, एक सेकंड धुएं का गुब्बारा अभी भी ऊपर जा रहा है, बस मेरे को वो दिखाई नहीं दे रहा है रेंडरिंग डिस्प्ले की वजह से, या कितना बड़ा आग का गुब्बारा ऊपर जा रहा है, आई मीन ऐसा रियल लाइफ में भी होता है, जहाँ पर एटोमिक बॉम्ब फूटता है ना ऐसी सेम चीज़ होती है, ऐसा ही आग का बहुत बड़ा गुब्बारा ऊपर जाता है जहाँ पर बॉम्ब फूटता है, एंड देन चारों तरफ रेडिएशन फैल जाता है जैसे कि यहाँ पे फैल गया, और सारे के सारे ट्रीज देखो अजीबो गरीब कलर के हो गए, आई मीन दिस इज रियली वियर्ड, अभी भी बॉम्ब फूट रहा है भाई, अबे भाई रुक जा, कितनी ज़्यादा तबाही मचाएगा, यहाँ पे स्केलेटन फ्रीज हो गया देखो, ओह माय गॉड, एक सेकंड स्केलेटन फ्रीज नहीं हुआ है, इसने मास्क, व्हाट द हेक, स्केलेटन ने मास्क पहना है तो इसको रेडिएशन नहीं लगेगा, ओह भाई दैट्स क्लेवर, अभी ट्राई करते हैं FLEIJA, नाम सुन के तो भाई बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा है, तो इस बॉम्ब को हम फोड़ेंगे यहाँ पे, ओके भाई बहुत छोटा ही है, हेलो एक काम करते हैं इसको यहाँ पे फोड़ते हैं, या मे भी ये दो पल्सर चाहिए इसके अंदर, या कुछ और हो सकता है, एक काम करता हूँ ये भी ले लेता हूँ, जो फिट होगा हम वो लगाएंगे, या यही चाहिए भाई, यही पल्सर चाहिए, एंड एक्टिवेट, ये पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुका है, आई मीन इसके अंदर मैंने सारी सारी चीज़ें लगा दी है, और अभी बारी है बस डेटोनेटर की, ये आ गए डेटोनेटर, अभी इसके कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं, पोजिशन सेट बहुत छोटा है बट इसका धमाका बहुत बड़ा होगा, OMG, आर यू सीरियस, ओ माय गॉड, बहुत बड़ा एक सर्कल बन गया, इससे बस तबाही मचती है, इससे कोई रेडिएशन वगैरह फैलता नहीं है, एंड देखो भाई पानी यहाँ तक आ गया, आई मीन चारों तरफ का पानी यहाँ पर आ गया, देखो ऑक्टोपस वगैरह भी भाई नीचे गिर रहे हैं, कस्टम न्यूक इसको ट्राई करते हैं, इसका नाम सुन के थोड़ा सा डरावना लग रहा है, तो कस्टम न्यूक के अंदर क्या क्या लगता है पता नहीं, कस्टम न्यूक के अंदर में भी हम कुछ भी रख सकते हैं, तो एक काम करता हूँ यहाँ से मैं बहुत सारे बैरल्स ले लेता हूँ, एंड इसके अंदर रखवा देता हूँ मैं, एंड क्या भी इसको मैं डेटोनेट कर सकता हूँ देखते भाई, क्योंकि ये कस्टम है तो हम इसको कस्टमली बना सकते हैं, पोजीशन सेट ओके, मतलब इसके अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं, ये कस्टमली मतलब यू नो एक्टिवेट होता है, ये क्या चीज़ है, ये मशीन गन की तरह लग रहा है, ओ नो, ओ हो रहा है, आई मीन ओके ये ज़ॉम्बीज़ के ऊपर अटैक करता है, ओके ओके मतलब ऑटोमेटिकली जैसे इसके इलाके में कोई बंदा आता है ये उसको फोड़ता है, देखो ओ माय गॉड, आई मीन दिस इज काइंड ऑफ मशीन गन, और ये ऑटोमेटिकली फायर होती है देखो भाई, बट इनको कुछ हो नहीं रहा है ज़ॉम्बीज़ को, नहीं मर रहे ज़ॉम्बीज़ मर रहे, देखो ये तो काफ़ी सही चीज़ है, और ये ज़ॉम्बीज़ इनको मार भी नहीं पाएंगे क्योंकि भाई ये लिविंग थिंग तो है नहीं, तो ये हमारी एक तरफ से रक्षा करती है, एंड यहाँ पे वैसे काफ़ी सारी चीज़ है भाई, ये सही था, एंड अभी बारी आ चुकी है फैट मैन बॉम्ब को ट्राई करने की, जो कि सबसे बड़ा अब तक का न्यूक्लियर बॉम्ब है, एंड ये वाले बॉम्ब से भाई बहुत ज़्यादा तबाही मची थी जापान के अंदर, एंड यहाँ पे एक पिरामिड बना है, ओ भाई किस चीज़ का पिरामिड है ये, ओ भाई बहुत बड़ा बंकर है, ओ माई गॉड, आई मीन पूरा का पूरा स्टोरेज फैसिलिटी यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, क्या ये बीच में ये चलेगा,
नहीं ये नहीं चलेगा, बॉम इग्नाइटर कंप्लीट। मे बी इसके अंदर अभी भी कुछ मिसिंग है क्या, ये यहाँ पे लगवाना है ऐसे? ओह एक सेकेंड, यहाँ पे ये लगवाना था प्लूटोनियम ओर। ओके क्या अभी फूटेगा? ओह अभी बोला ओके, तो ये प्लूटोनियम ओर लगाना भूल गया था मैं। ओके एक सेकेंड, ओह माय गॉड, वहाँ पे बस प्लूटोनियम ओर लगाना था। ओह माय गॉड, देखो बहुत बड़ा धुएं का गुब्बारा ऊपर जा रहा है। ओके बट ये जगह को कुछ नहीं हो रहा है, मतलब नीचे वाली जमीन को कुछ भी नहीं हो रहा है। देखो भाई कितना बड़ा आग का गुब्बारा ऊपर जा रहा है, पर एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था जब जापान के ऊपर बम गिरा था। एक काम करता हूँ, मैंने मुझे उसके अंदर जाके देखना है वहाँ पे क्या होता है जहाँ पे एटॉमिक बम फूटता है। इसके अंदर भाई अंदर जाना है मुझे। ओह अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब एटॉमिक बम के अंदर ऐसा नज़ारा होता है जहाँ पे एटॉमिक बम फूटता है वहाँ पे एग्जैक्टली ऐसा होता है भाई। अगर हम एटॉमिक बम के नीचे रहेंगे ना तो हमको ऐसा नज़ारा दिखाई देगा, चारों तरफ रेडिएशन। देखो अभी रेडिएशन फैलना शुरू हो गया और ख़त्म हो गया ब्लास्ट, अभी ये जगह चारों तरफ तबाह हो जाएगी। ओके देखो भाई, ओके धीरे धीरे ज़मीन टूटना शुरू हो गई है। ओके धीरे धीरे हो रहा है, मतलब इसका इफेक्ट धीरे धीरे होता है लेकिन जब भी होता है बहुत ज़्यादा तबाही मचाता है भाई। अभी नीचे जाके देखता हूँ मैं। ओके धीरे धीरे सारे सारे ब्लॉक्स टूट रहे, देखो स्केलेटन्स वगैरह वहाँ पर नीचे है। ओ मर गए, ज़ॉम्बी स्केलेटन मर गए। ओके तो वो देखो लिटरली वैनिश हो रहे हैं, मतलब इस बॉम्ब की इफेक्ट की वजह से। ओ माय गॉड, ये बहुत बड़ा तबाही मचाने वाला है यहाँ पे पता है मुझे। और इस तरफ भी फूटा है भाई, ये पानी भी अभी इसके अंदर आ जाएगा। ओ वेट यहाँ पे बारिश होना भी शुरू होगी और इसका रेडिएशन बहुत दूर तक जाएगा जहाँ तक मुझे पता है। देखो भाई चारों तरफ रेडिएशन फैल चुका है एंड मेरा गेम थोड़ा सा लैग हो रहा है, मतलब मेरा कंप्यूटर इसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, ये इतनी दूर तक तबाही हो रही है। देखो ये धीरे धीरे नीचे लेके जा रहा है मेरे को। ओह नो आई मीन धीरे धीरे नीचे ज़मीन टूट रही है, धीरे धीरे ब्लॉक्स टूट रहे हैं। अभी कितना नीचे है, मे बी ये वॉइड तक लेके जाएगा? नहीं वॉइड तक नहीं, इतनी ही नीचे। ओह भाई बहुत ज़्यादा तबाही हो चुकी है, अभी धीरे धीरे ये रेंडर हो जाएगा। एंड वो पिरामिड कहाँ पर गया भाई, जहाँ पर वो पिरामिड था? मे बी ये बच गया होगा या ये भी टूटा है पिरामिड। या भाई इसको कुछ नहीं हुआ है, मे बी ये जो मटेरियल से बना है ना वो मटेरियल बहुत स्ट्रांग है। देखो भाई ओके इस पूरे पिरामिड को, मतलब ये मे बी न्यूक्लियर प्रूफ बंकर्स है भाई, इसको कुछ भी नहीं हुआ है। ओह माय गॉड, तो जो न्यूक्लियर बंकर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं भाई। देखो भाई इस पूरे के पूरे इस पार्ट को कुछ भी नहीं हुआ जहाँ पर ये न्यूक्लियर बंकर था। अभी हम नेक्स्ट बॉम्ब ट्राई करने वाले जिसका नाम है द गैजेट। इसको एक्सेस कैसे करते हैं? ओके ये हो गया यहाँ से एक्सेस। लेट्स पुट द क्या है ना उसका बंडल, और यहाँ पे मैंने ये लगवा दिया। अभी बारी है वायरिंग को लगाने की एंड लास्ट में ये कोर लगेगा। एंड अभी बारी इसके कोऑर्डिनेट्स लेने की। पोजीशन सेट एंड लेट्स एक्सप्लोर दिस थिंग। एक्सप्लोर, ओएमजी। ओके धीरे धीरे आग का गुब्बारा ऊपर जा रहा है वो जो कि बहुत बड़ा है। ये भी उतना ही ज़्यादा पावरफुल है मे बी जितना फैट बॉम्ब था। नहीं फैट बॉम्ब से थोड़ा कम ही होगा क्योंकि फैट बॉम्ब मतलब फैट मैन सबसे बड़ा है। या इसने भी आप तबाही मचा दी है, रेडिएशन तो फैल ही गया है और अभी धीरे धीरे देखो ज़मीन गायब हो रही है, मतलब सारी की सारी चीज़ें यहाँ से गायब हो रही है। और मे बी ये सारा का सारा समंदर का पानी इसके अंदर आ जाएगा और ये लावा ऑब्सीडियन मचाएगा डेफिनेटली। एक सेकंड भाई, लावा भी गायब कर दिया इसने। ओ माय गॉड, अभी देखो धीरे धीरे एक एक क्लियर ना इसे नीचे वैनिश हो रहा है। ओह दिस इज क्रेजी। अबे रुक जा भाई, कितनी तबाही मचाएगा। और एटॉमिक बॉम्ब के नीचे ऐसा नजर आता है जैसा कि मैंने आपको पिछली बार भी दिखाया था। एक काम करता हूँ, जहाँ पर धुएं का गुब्बारा है ना वहाँ पे चलता हूँ मैं। वो कितना ज़्यादा बड़ा ही है, एटॉमिक बॉम्ब के अंदर ऐसा होता है। देखो ऊपर से ये दिखने में ऐसा लग रहा है। ओके फाइनली ये पूरी तरीके से आग का गुब्बारा गायब हो गया एंड ये बहुत नीचे तक लेके गया है इसको। ओ भाई बहुत नीचे तक गया ये, व्हाट, मतलब अभी भी ब्लॉक्स टूट रहे हैं। बहुत ज़्यादा तबाही मची है, मेरा पीसी इसको रेंडर नहीं कर पा रहा ठीक से क्योंकि भाई बहुत सारी तबाही मची पड़ी है। और जहाँ पर पानी वगैरह था, लावा वगैरह था, सब कुछ तबाह हो गया। और ये इस बंकर को कुछ भी नहीं हुआ जो कि न्यूक्लियर प्रूफ बंकर था। सो जब भी कभी अगर न्यूक्लियर अटैक होगा हमारी धरती पर तो आपको न्यूक्लियर प्रूफ बंकर में ही जाना पड़ेगा क्योंकि भाई उस जगह को कुछ भी नहीं होता, मतलब ये जिस मेटल से बना है उसको न्यूक्लियर बॉम्ब का कुछ भी असर नहीं होता, बट हम इसको क्रिएटिव में तोड़ सकते हैं।